गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, कल मैंने आप लोगों से फैराडे के दोनों लॉस का स्टेटमेंट डिस्कस किया था। एक बार मैं फिर से उनको रिपीट कर रही हूँ और आज हम इससे रिलेटेड मार्कर्स और थोड़ा सा आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या था? द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या कहता है कि जितनी देर तक, जितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम ले कंजम्पशन आप करेंगे, जितनी देर तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, डिपोजिशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोड पर जो भी हम करंट पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, तो जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितनी देर तक क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की गई उस सॉल्यूशन से या उस इलेक्ट्रोलाइट से। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। इसमें मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो हमारी, अगर हम अलग अलग सेल लें और उन सब में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो उनके जो डिपोजिशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। अब हमें ये समझना है कि ये केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो अब हम इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे, मतलब हम इनसे रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो देयर वर नो कांस्टेंट करंट सोर्सेज अवेलेबल ड्यूरिंग फैराडेज टाइम्स। उस टाइम पर नहीं था, तो जनरल प्रैक्टिस वाज टू पुट अ कॉलोमीटर, एक ऐसा डिवाइस जो लगातार क्या कर सके, आपको एक कॉन्स्टेंट करंट दे सके फॉर डिटरमाइनिंग द क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास फ्रॉम द अमाउंट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर आप सीधा देख रहे हैं क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट आई टी। क्यू जो है वो क्या है, आई टी के बराबर है। क्यू क्या होता है? क्यू होता है चार्ज, आई करंट एंड टी जो है कितनी देर तक हमने उसमें पास किया है। तो जो हमारा पहला फैराडे का लॉ है उसको हम इस रिलेशनशिप के बेस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम इसके कॉन्स्टेंट करंट कितनी देर तक हमने क्वान्टिटी को, हमने चार्ज जो है हमारा कितनी देर तक हमने उसको भेजा है वो, तो Q जो होगा वो कूलम में होगा, I नेचुरली एम्पियर में होगा क्योंकि करंट और टाइम जो है वो सेकंड्स में होगा। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टोशियोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन है बेसिकली उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी देर तक हमने जो अलार्म करंट पास किया है कितना डिपोजिशन होगा किसी मेटल का। यहाँ पर इन्होंने सिल्वर का एग्जाम्पल लिया है कि 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चाहिए। यहीं पे अगर मैं मैग्नीशियम ले लूँ तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे बेटा। यहीं अगर मैं एल्यूमिनियम ले लूँ तो वहाँ मुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को बेसिकली 1 फैराडे के से कंपेयर किया है, तो वहीं उसी ने वैल्यू दी है और 1 फैराडे की उसने वैल्यू भी निकाली है, 9,648.7 coulomb per mole 1 mole के हिसाब से, 1 mole को डिपॉजिट होने में कितना फैराडे यूज होगा। इसको हम कन्वीनियंटली 96500 लेते हैं क्योंकि 487 अप्रॉक्सीमेटली 500 के बराबर है। तो हम कन्वीनियंस के लिए, अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम इसको 96500 ले लेते हैं। एंड दिस क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिसिटी की इज नोन एज फैराडे, जिसको हम कैपिटल एफ सिंबल से रिप्रेजेंट भी करते हैं। इससे कई बार नुमारिकल ऐसा भी आता है कि वो आपको एक क्वेश्चन देंगे कि दिस मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सेल having this much of reaction, कि वो reaction इसमें ये होनी है, या आपको electrodes के बारे में वो बता देंगे और आपसे number of Faraday पूछेंगे। तो बेटा जितने भी total number of electrons consume होंगे या release होंगे उतने ही Faraday हम लेते हैं। aluminium की अगर हम 1 mole की बात करें तो हमें 3 Faraday की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। 1 mole में इतना Faraday, 1 Faraday यूज़ हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, जो सिल्वर का एग्जाम्पल हमने लिया, और अगर मैं वहीं एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेती तो मेरे 3 Faradays यूज़ होते। अब देखो इन्होंने आगे वही एग्जाम्पल्स लिए हैं, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम का लिया है तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम के केस में 2 moles इलेक्ट्रॉन मतलब 2 Faraday और 3 moles इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के केस में होगा तो वहां पर 3 Faraday। तो दिस इज द वे इन विच वी कैरीड आउट द न्यूमेरिकल। अब नीचे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके बुक में सॉल्व भी दिए हैं, आज हम उन्हें डील करते हैं और उसके बाद हम अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स भी डील करेंगे। एक बात और मुझे यहाँ मैंशन करनी है कि जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है मेटल्स का, वहाँ पर जो हमारे करंट होती है वो बहुत हाई हम करंट भेजते हैं, 50,000 amperes आर यूज दैट अमाउंट, दैट इज 0.518 फैराडे पर सेकेंड के हिसाब से। इतना ज़्यादा
वैल्यू भेजते हैं। एंड एक चीज़ और मैंने आपको कल भी बताई थी कि हम यहाँ पर डीसी करंट का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पर एसी करंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल नहीं करते। बताया था क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करेंगे तो पोलैरिटी बार बार जो इलेक्ट्रॉड्स हैं उनकी चेंज होती रहेगी। जिस इलेक्ट्रॉड पर थोड़ी देर पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था अब उस पर रिडक्शन होगा तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। दैट इज़ वाई हम वहाँ पर डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं ना। A question is given in your book. A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes. 10 मिनट के लिए एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया गया, मतलब आपको टाइम दे दिया 10 मिनट्स, जिसमें कि आगे दिया है विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, तो करंट की आई की वैल्यू दे दी है, दैट इज 1.5 मीटर एम्पियर सॉरी। एंड वॉट इज द मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिट, आपसे कॉपर का मास पूछा है कि कितना डिपॉजिट हुआ। बेटा सीधा सा क्वेश्चन है, टाइम हमारा मिनट्स में है, हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, करंट हमारा एम्पियर में है, दैट इज़ ओके, उसे हमें कुछ नहीं करना है। वहाँ से हम चार्ज निकाल सकते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। हमारा चार्ज की वैल्यू आई है 900 कूलाम, मतलब 900 कूलाम हमने उसमें पास किया। अब हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो नेचुरल सी बात है हम उसका रिडक्शन लिखेंगे कि कॉपर में कॉपर सल्फेट है तो नेचुरल सी बात है कि कॉपर इसमें क्यूप्रिक फॉर्म में है, प्लस टू स्टेट में है, दो इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर डिपॉजिट होगा। तो दो फेराडे यहाँ यूज होंगे, तो एक फेराडे है 96500, तो दो फेराडे उसे टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मुझे वन मोल ऑफ सब्सटेंस को डिपॉजिट करने के लिए चाहिए, वन मोल ऑफ सब्सटेंस। कॉपर का जो मास होता है वो होता है 63 ग्राम, ठीक है, तो 63 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए मुझे दो फेराडे चाहिए। तो 900 कूलाम जो है वो कितना कॉपर डिपॉजिट करेगी, सिंपल 63 मल्टीप्लाई 900 डिवाइडेड बाय 2 फेराडेज एंड यू गेट द आंसर, एंड द आंसर इज 0.2938 ग्राम्स। दिस इज द वे इन विच वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, हम इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज की बुक में भी दिए हैं, एक्सरसाइज में दिए हैं इस चैप्टर की, तो वो आपको सॉल्व करने हैं, और उनको सॉल्व करने के बाद आपको आपका जो वर्क है वो मुझे सबमिट करना है। तो जो आप अपना वर्क सबमिट करते हैं वो प्लीज़ गूगल क्लासरूम पर कीजिए, क्योंकि उससे इंडिविजुअल आपका एक डॉक्यूमेंट बन के मेरे पास आ रहा है और वो मुझे हेल्प करेगा इन गिविंग योर मार्क्स विच इज़ रिलेटेड विद द इंटरनल असेसमेंट। तो आपसे मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपने इंटरनल असेसमेंट को भी स्ट्रांग रखें, क्योंकि जो कंडीशन चल रही है कोविड-19 की, उसमें हमें जो भी हम काम कर रहे हैं, नो डाउट आप लोग बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग मुझे वर्क दिखाते हैं, वेरी गुड, आई एम हैप्पी विद दैट। बट जो बच्चे थोड़े से अभी नहीं काम को इतना सीरियस लिए हैं, वो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो, अपना वर्क मुझे दिखाएं, और जिससे मैं भी आपको अच्छे से इंटरनल असेसमेंट असेस करके अच्छे से नंबर मार्क्स दे सकूँ विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, ठीक है ना। सो आप और अच्छे से काम कीजिए, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।